तो गाइज iOS 17 आ गया है और ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टाइम वेस्ट ही नहीं करूंगा, सीधा बात करते हैं। तो गाइज पहला, मेरे पास एक वेब पेज का हाई क्वालिटी स्क्रीनशॉट है मेरे फोटोज ऐप में और ये बहुत ही आसान था। तो जब मैं सफारी में वेब पेज पे था, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट पे टैप करके फुल पेज पे टैप किया, राइट साइड में पूरा प्रीव्यू एक बार चेक कर सकते हो आप, फिर डन करके सेव टू फोटोज, बस। अगला, आईफोन ने फाइनली एक ऐसा फीचर ऐड कर दिया जिससे आपका थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा बैटरी के चार्जिंग पे और उससे आपकी बैटरी हेल्थ काफी इंप्रूव होगी। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाके पहले बैटरी सेटिंग्स में जाना है, फिर बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग और फिर चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन में, और यहाँ पे आप 80% पे सेट कर दीजिए। और गाइस इससे होगा ये कि आपका आईफोन अबव 80% चार्ज होगा नहीं, और 20% से नीचे अगर आप गिरने ना दे तो आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी और आपका आईफोन ज्यादा लास्ट करेगा। अच्छा, सफारी में यहाँ टैप करके अगर आप लिसन टू पेज करें तो सफारी वो पूरा वेब पेज आपको रीड आउट कर देगा और वो रीडिंग कितनी तेज होनी चाहिए आप उसको भी सेट कर पाएंगे। काफी कूल चीज है। बेसिकली अब आप किसी भी वेब पेज को एक पॉडकास्ट बना सकते हैं। और तो और सफारी में आपके जो प्राइवेट टैब या इनकॉग्निटो टैब है अब फेस आईडी से अनलॉक हो सकते हैं, मतलब फुल सेफ्टी। सफारी के सेटिंग्स में जाके आप इसको इनेबल कर सकते हैं। ऑप्शन का नाम है रिक्वायर फेस आईडी टू अनलॉक प्राइवेट ब्राउजिंग। अगला, और वैसे तो यकीन नहीं होता कि ये आप पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप iOS 17 में मल्टीपल टाइमर्स ऐड कर सकते हैं और उनको एक लेबल भी दे सकते हैं, सच में। अगला, फाइंड माय ऐप में आप किसी भी एयर टैग को अब 5 लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं तो वो भी उसको ढूंढ पाएंगे। अच्छा, iOS 17 में एक ऐसा कैमरा सेटिंग आया है जिससे जो आप वीडियोस लेते हैं वो और अच्छी लगेंगी। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप वीडियो शूट करते हैं आईफोन से तो उसका कलर टोन चेंज होता रहता है, कभी वार्म तो कभी ठंडा, और अब इस चीज को अवॉइड करने का एक तरीका आ गया है। आप जाइए कैमरा के सेटिंग्स में, फिर रिकॉर्ड वीडियो ऑप्शन में, और एकदम नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉक वाइट बैलेंस का, और अब शूट करते वक्त वो कलर टोन बिल्कुल चेंज नहीं होगी, सेम टू सेम रहेगी। नेक्स्ट, अगर आपको डाउट रहता है कि आपकी फोटो कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी आती है तो ये लेवल का ऑप्शन ऑन कर दीजिए। जब ये येलो हो जाएगी इसका मतलब आप सीधी फोटो ले रहे हैं। अगला, अगर आप iPhone 15 सीरीज का कोई भी फोन यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके पास 48 मेगापिक्सल का सेंसर है लेकिन जो फोटोज ली जाती है ना वो बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल की होती हैं। तो अगर आपको सुपर हाई क्वालिटी वेरी डिटेल्ड फोटोज चाहिए, एक सेटिंग है उसको जरूर छेड़िए। इसके लिए वापस कैमरा सेटिंग्स में जाइए, फिर फॉर्मेट्स में और फोटो मोड में 12 से 24 मेगापिक्सल पे सेट कर दीजिए। 30% स्पेस ज्यादा खाएगा लेकिन एटलीस्ट क्वालिटी बहुत बढ़िया देगा। अगला, अगर आप आई मैसेजेस यूज करते हैं अपने आईफोन फ्रेंड्स के साथ तो कुछ चीजें हैं। तो जब आप यहाँ प्लस पे टैप करते हैं तो बड़े सारे ऑप्शंस दिखते हैं, बट जरूरी आप सारे यूज कर रहे हो। जिनको नहीं कर रहे हैं उनको ड्रैग करके नीचे कर दीजिए, मोर के नीचे, तो वो ना आपको ऊपर दिखेंगे नहीं। ऐसे आप बाकी सारे भी ले जाइए ताकि एकदम बस वही दिखे जो आप यूज करते हैं। अच्छा, इनमें भी आप वैसे सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस। और जो वॉइस नोट्स होते हैं आई मैसेजेस में, आप उनकी प्लेबैक स्पीड को सेट कर सकते हैं। तो अगर आप प्ले बटन पे लॉन्ग प्रेस करें आप सेट कर पाएंगे कितनी तेज आपको ये सुनना है। और ये वॉइस नोट जो होता है ये बैकग्राउंड में चलता रहता है अगर आप स्क्रीन को लॉक भी कर दें, और लॉक स्क्रीन पे आपको इसके मीडिया प्लेबैक ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। अगला, आप किसी भी फोटो को अब जूम इन करके ना उस पार्ट के लिए क्रॉप कर सकते हैं एक नई फोटो बनाने के लिए। और अगर आप क्रॉप को लॉन्ग प्रेस करेंगे आपको अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो मिलेंगे। तो मान लीजिए मैंने स्क्वायर सेट कर दिया, अब जब मैं फोटो को क्रॉप करूंगा ना एग्जैक्ट स्क्वायर क्रॉप मिलेगा मुझे। अच्छा, आईफोन में अब स्पॉटलाइट सर्च और भी यूजफुल हो गया है। देखो, पहली चीज तो आप स्पॉटलाइट पे सीधा इवेंट टाइप करके एक कैलेंडर एंट्री बना सकते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी टुमारो एट 9 PM। जैसे ही टाइप किया एक ऐड का ऑप्शन आ गया। अब जैसे मैं यहाँ ऐड दबाऊंगा झट से वो कैलेंडर में चला जाएगा और मैं ऐड करते ही फाइनल कर सकता हूँ। ऑल्सो स्पॉटलाइट सर्च ना थोड़ा कॉन्टेक्स्चुअल भी हो गया। जैसे मान लीजिए क्लॉक सर्च किया तो टाइमर एंड अलार्म का भी ऑप्शन दिखा देगा, या मैंने फोटो सर्च की तो रेलेवेंट एल्बम्स भी वहीं दिखा देगा क्विक एक्सेस के लिए। एक जो बहुत कूल चीज ऐड हुई है वो ये है कि अब मैं एक ही जगह पर अपने सारे वॉलपेपर ऐड कर सकता हूँ जो लॉक स्क्रीन पे अपने आप शफल होते रहेंगे। तो इसके लिए पहले तो आप वॉलपेपर्स या जो भी फोटोज है सेलेक्ट कर लो और उनको एक एल्बम में डाल दो, और जैसे उस एल्बम को फिर एक नाम भी दे दो जैसे वॉलपेपर्स, ताकि यू नो इट्स इजी टू आइडेंटिफाई। अब अपने लॉक स्क्रीन पे जाइए, लॉन्ग प्रेस कीजिए और एकदम राइट में प्लस का ऑप्शन टैप कीजिए, फिर फोटो शफल और उसमें एल्बम वही वाला सेट कर दीजिए जो आपने बनाया, और शफल फ्रीक्वेंसी टू ऑन लॉक। अच्छा, अब जो फोटो ऐप है ना वो लॉन्ड्री टैग्स को रीड करके आपको बता सकता है कि उनका मतलब क्या है, एंड होपफुली वो देख के आप समझ पाएंगे कि अपने कपड़ों का कैसे आपको ध्यान रखना है। अब देखिए गाइस, ये वो फीचर्स थे iOS 17 के जो नए हैं और जो मेरे को पर्सनली ज्यादा मैटर करते हैं। और भी चीजें जो मैंने नहीं बताई हैं उसकी एक क्विक लिस्ट है मेरे पास, बता देता हूँ। तो नेम ड्रॉप आ गया है, कॉन्टैक्ट पोस्टर्स आ गए हैं, इंटरैक्टिव विजेट्स आ गए हैं,
एप्पल म्यूजिक ऐप में भी काफ़ी चेंजेस हैं। एप्पल मैप्स में अब आप मैप्स डाउनलोड कर सकते हैं। सीरी आप एक्टिवेट कर सकते हैं सिर्फ सीरी बोल के, ज़रूरी नहीं है आपको हे सीरी बोलना होगा, लेकिन उसकी एक सेटिंग है जो आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपके जो OTP या वेरिफिकेशन कोड्स आते हैं मैसेजेस और ईमेल्स में, वो अब आप ऑटो डिलीट कर पाएंगे। स्क्रीन डिस्टेंस अलर्ट है, तो अगर आप अपने आईफोन को आंखों के बहुत पास रखते हैं 12 या 15 सेकंड तक, तो आपको एक अलर्ट आ जाएगा, आंखें बच जाएंगी। एक जर्नल ऐप आ रहा है, मतलब ऐसी हैं कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने नहीं बताई हैं। मेरे को पर्सनली जो पहले बताई वो ज़्यादा मैटर करती हैं, बट हाँ ये भी कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको मैटर करे। तो गाइज इस वीडियो में तो इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आपको ये वाली वीडियो तो बहुत अच्छी लगेगी, डेफिनेटली देखिएगा। और वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वो बेल आइकन मार्क करके ना ऑल ज़रूर मार्क कर दीजिएगा, बहुत हेल्प मिलती है। मिलते हैं।